बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेताओं ने प्रशासन का साथ लेकर के एजेंट के साथ मारपीट की। जब मैं बूथ पे पहुंचा तो पता लगा बीजेपी कार्यकर्ता भाग गए। अरे भाई भागते क्यों हो? जहां जहां हम जा रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की जनता स्वयं वोट डालने आ रही है। जनता की जो नाराजगी है वो बढ़ती चली जा रही है बीजेपी के खिलाफ। मतदान केंद्र में मैं इसलिए जा रहा हूँ, कम से कम लोगों को देखें कि किस तरीके से मतदान हो रहा है। और कई जगह बीजेपी के जो समर्थक हैं, मैं पिछले बूथ पे होके आया हूँ रणधीरपुर में, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेताओं ने प्रशासन का साथ लेकर के एजेंट के साथ मारपीट की। जब मैं बूथ पे पहुंचा तो पता लगा बीजेपी कार्यकर्ता भाग गए। अरे भाई भागते क्यों हो? अगर किसी को मारा है तो भागते क्यों हो? सामना करो। खैर, जहां जहां हम जा रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की जनता स्वयं वोट डालने आ रही है। जनता की जो नाराजगी है वो बढ़ती चली जा रही है बीजेपी के खिलाफ। ये तो चौथा चरण है, अभी तो इसके बाद और चरण होने हैं। जनता कन्नौज की, जो यहाँ के लोग रहे हैं, जिन्होंने लोधी समाज को अपमानित किया, यहाँ के लोग पड़ोस के लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध की प्रतिमा लग गई, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई, इन्होंने हटवा दिया। इन्होंने लोधी समाज को कहा कि हम पैसे से तुम्हारा वोट ले लेते हैं, और पाल समाज के नेता को गाली गलौज की। एक ऐसा सांसद जो गाली गलौज देता हो, वो जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती ऐसे सांसद को। जो पार्टी है वो ये कह रही है कि सपा के भी कई लोग हैं जो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट डालना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का अगर एक भी कहीं रुकावट पैदा कर रहा हो तो बताइए। हम तो कहीं रुकावट पैदा नहीं कर रहे, हम लोग तो चाहते हैं कि वोट अच्छा पड़े। तो ट्वीट करने का संज्ञान लिया अभी तक इलेक्शन कमीशन ने आप लोगों के ट्वीट्स का? कुछ जगह संज्ञान लिया, कुछ जगह नहीं लिया। तो आपने सुना अखिलेश यादव को एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए, किस तरह से मतदान सेंटर में आए हैं और जगह जगह जाकर कन्नौज में हवा भांप रहे हैं। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कन्नौज आज।